नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, केदारनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ऊंचाई पर है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3,580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड के सबसे विशाल शिव मंदिरों में से एक है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार संगर पर भगवान विष्णु के नए और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा उसमें वास करने का वरदान दे दिया। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरों पर बना हुआ है। मंदिर के मेन भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर पर दीक्षा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाण तो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाई थी। आप लोगों को बता दें कि बाबा केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा ही करनी पड़ती है। बाबा केदारनाथ का ये धाम कात्यूहरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश लगाया हुआ है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले गर्भगृह आता है, दूसरा दर्शन मंडप जहां पर श्रद्धालु एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप है। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। इस साल चार धाम यात्रा में बाबा केदारनाथ का मंदिर 10 मई को सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। इसके बाद केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई थी। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुला रहता है और बाकी के 6 महीने ये बंद रहता है। ये मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद कर दिया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा हो जाता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। इसे ही अखंड ज्योत कहते हैं। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है, तब भी ये दीपक ऐसे ही जलता मिलता है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत को युद्ध में जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की मन के अंदर बड़ी गलीना हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध कर दिया। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बड़े दुखी थे, और इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन करने के लिए काशी पहुंच गए। लेकिन इस बात का जब भोले बाबा को पता लगा तो वो बड़े नाराज हो गए और नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी महादेव के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण करके दो पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से जा रहे थे, परंतु भोले बाबा अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देने के मन में इच्छा जाहिर की और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हो गए।
इसके बाद पांडवों ने यहां पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। आगे भी आप लोगों को ऐसी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।